बीते 24 घंटे की स्थिति लगातार बेकाबू हो रहा है। कोरोना एक दिन में 6,277 नए मामलों की पुष्टि हुई है। 2,958 मरीज इलाज के बाद ठीक हो गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोरोना से 20 मरीजों की जान चली गई है। बीते 24 घंटे में 6,000 से ज्यादा मामले, गुरुग्राम में 1919 और फरीदाबाद में 980 केसेस। गुरुग्राम में रिकॉर्ड तोड़ मामले, 2,000 केसेस लगभग सिर्फ गुरुग्राम में ही सामने आए हैं। करनाल में 449 और पंचकुला में 314 नए केसेस की पुष्टि हुई है। हिसार में 288 और यमुनानगर में 142 नए केसेस। इस खबर पर हमारे सहयोगी अनूप कुंडू चुके हैं हिसार से, सीधा उनका रुख करेंगे। अनूप, बीते 24 घंटे में हिसार में क्या स्थिति? नंदनी जी, हिसार में स्थिति लगातार बढ़ती जा रही है। हर रोज मामले जो है बढ़कर के सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 288 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ जो एक्टिव केस है वो लगभग 1800 के करीब पहुंच चुके हैं। और अगर हम बात करें प्रशासन की, तो प्रशासन कहीं ना कहीं अपनी व्यवस्था में लगा हुआ है। उन्होंने देखा कि जिस प्रकार से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और उसके लिए अगर जरूरत पड़ेगी तो हॉस्पिटल तो छोटे पड़ रहे हैं, लेकिन उसके अलावा जो संस्थाओं है उनके जो भी स्कूल हैं या कॉलेजेस हैं या धर्मशाला है, उनको क्वारंटाइन के लिए या उस सेंटर बनाए जाने के लिए तैयार किया जा रहा है। अगर स्थिति इससे ज्यादा भयावह होती है तो जरूर उनका भी इस्तेमाल किया जाएगा। जी चलिए, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अनुरोध।